अब बात कर लेते हैं पेपर टू की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पेपर वन हम 10 डेज के अंदर कवर करने वाले हैं और पेपर टू मैनेजमेंट हम 20 डेज के अंदर कवर करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारा क्रैश कोर्स खरीदते हैं तो इस 20 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्या क्या प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले 370 प्लस वीडियोज़ मिलेंगी जो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स जो सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए मैनेजमेंट के, और आप वहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं। साथ ही आप हमारी सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आप इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं ताकि आप बहुत ही ईजी एंड कॉम्प्रहेंसिव वे में इन टॉपिक्स को थॉरली रीड कर पाएँ। नेक्स्ट, आपको अनलिमिटेड मॉक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनका लेवल हमने यूजीसी नेट से हल्का सा डिफिकल्ट रखा है ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं और आप यूजीसी नेट को आसानी से क्रैक कर पाएं। नेक्स्ट, हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करेंगे जिसमें आप 24/7 अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो ये चार एलिमेंट्स के फॉर्म में आपको इस कोर्स के अंदर कंटेंट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे कि क्या प्राइसिंग होने वाली है इसकी, सो पेपर वन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेपर वन के अंदर जो हमारी करंट आफ्टर डिस्काउंट ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली जो प्राइसिंग है वो है ₹1200। पेपर टू के 100 आफ्टर डिस्काउंट जो आपको जो प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट पे जाके, उसकी कॉस्टिंग है ₹1800। और अगर आप पेपर वन एंड टू कंबाइंड खरीदते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। सो इस 3000 रुपीज़ के अंदर आपको पेपर वन के सारे वीडियोस मिलेंगे, पेपर टू के सारे वीडियोस मिलेंगे, पेपर वन एंड टू के सारे पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करके प्रिंट करने दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आप अनलिमिटेड मॉक्स फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू भी ले सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े रहेंगे जिसपे आप रेगुलर क्वेश्चंस एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कोर्स की। अब अगेन हम सेम मेथोलॉजी फॉलो करने वाले हैं जिसमें हमने 2 डेज दिए हैं पर टॉपिक को। जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर टू मैनेजमेंट के अंदर 10 टॉपिक या 10 यूनिट्स हैं जहां पे हम हर यूनिट को 2 दिन में कवर करने वाले हैं। सो यहां पे अगेन 3 एलिमेंट्स हैं हमारी स्ट्रैटेजी के, दैट इज वीडियोस, पीडीएफ्स एंड मॉक्स। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बताऊंगा जो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर देखें, साथ ही साथ आपको सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ने हैं, एंड साथ ही साथ जो 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो भी इस 2 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर ही लगा लेने हैं। और अगर उसमें अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोज आपको देखनी कंपलसरी है। सबसे पहले day 1 and 2 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो unit 1 है मैनेजमेंट का, उसके अंदर इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट तीनों ही सब्जेक्ट्स को मिक्स किया गया है। सो आप अप्रोक्सीमेटली उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट टॉपिक से मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स टॉपिक से मिल जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक से उम्मीद कर रहे हैं। इसके अंदर आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके लिए आइडेंटिफाई कर चुका हूं वो है प्रिंसिपल्स थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज कुछ थ्योरीज हमने पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्कूल थ्योरी। सो इन थ्योरीज को हमने इस वीडियो के अंदर कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आपको पीडीएफ से नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को देख लें। आगे बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो 3 वीडियोज हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक से रिलेट करती हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से ही रिवीजन आपका हो जाएगा और आप उसके बाद 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। आगे बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में, दैट इज प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो इन मार्केट्स को भी हमने प्रॉपरली इस मतलब वीडियो में किस तरीके के उनके कर्व्स होते हैं, दैट इज किस टाइप के रेवेन्यू कर्व्स होते हैं, किस टाइप की इक्विलिब्रियम होती है, इन सारी चीज़ों को भी हमने इन वीडियोज में डिस्कस किया है। सो आप इस वीडियो को देखकर प्रॉपर क्लैरिटी ले लीजिए एंड देन आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। तो आप यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि आप प्रॉपर पहला दिन जो है वो आप दे दीजिए सारा का सारा कंटेंट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड पीडीएफ्स को कवर करने में, एंड जो सेकेंड डे है उस डे पे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम फेस
होती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन क्वेश्चंस का जो है वो ये है कि इन सारे ही सारे क्वेश्चंस में हमने आपको एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो जनरली हमें स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की आपने प्रोवाइड कराई हुई है तो उससे हमें कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते, तो इस बार हमने उस क्वेरी को भी खत्म कर दिया है। हमने अपने सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आंसर कीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया है, ताकि अगर आप सारी क्वेरीज नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो आप उन एक्सप्लेनेशन से चीजों को समझ सकें और आपका काफी ज्यादा टाइम भी इससे बचेगा। बात करते हैं आगे कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। सो फॉर डे 3, 4, 5 एंड 6 यहां पे दो सब्जेक्ट्स को हमने कंपाइल कर दिया है, आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं बिकॉज इन दो सब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा टॉपिक्स के अंदर ओवरलैपिंग है। सो जो दो सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं नेक्स्ट 4 डेज में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि इन दोनों टॉपिक्स में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग लगी रहती है, तो यहां पे जो टॉपिक्स की वीडियो हमने आइडेंटिफाई करी है वो है वैल्यूज एंड एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि मोटिवेशनल थ्योरीज जो हैं, दैट इज हर्ज़बर्ग थ्योरी हो गई, टू फैक्टर थ्योरी हो गई, नीड हायरार्की थ्योरी हो गई, एडम्स इक्विटी थ्योरी होगी, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ की हु गेव द थ्योरी एज वेल एज बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इन सारी थ्योरीज के बारे में पता चल जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आगे बात करते हैं लीडरशिप थ्योरी, अगेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो लीडरशिप थ्योरी है, वेदर इट बी योर ट्रेड थ्योरी और सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन किया है। सो आप पहले सारी पीडीएफ्स पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको पीडीएफ सफिशिएंट नहीं हो रही हैं या फिर वो आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं दे पा रही हैं तो आप इन वीडियोज़ को रेफर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं सारी वीडियोस बता रहा हूं इन वीडियोस को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन में अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है या आपकी रिकॉलिंग एंड मेमोरी पावर अच्छी है तो आपको पीडीएफ से ही चीजें बहुत आसानी से रिकॉल और रिवाइज हो जाएंगी। आगे चलते हैं, एचआर के कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए मैंने, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इनसे रेगुलरली 3 से 4 क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे जा रहे हैं। सो अगेन आप इस प्रॉपर वीडियो को देख लीजिए और आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ओरिएंटेशन, मूवमेंट ऑफ पर्सनल जिसे जॉब रोटेशन भी कहते हैं, जॉब डिजाइन, जॉब इवोल्यूशन, स्ट्रैटेजिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स की भी हमने सेपरेट वीडियोस बना दी हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो आप छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी आ रही होगी कि मैं इतने सारे टॉपिक्स की वीडियोस बता रहा हूँ, क्या ये वीडियोस 2 दिन के अंदर कवर करना पॉसिबल है? तो जवाब है जी हाँ, आप इन वीडियोस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं और उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियोस मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करी हैं या फिर सजेस्ट करना हूँ इनको आप 6 to 7 hours के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 10 hours प्रॉपरली दे रहे हैं या फिर आप 10 से 12 hours प्रॉपरली लगा रहे हैं तैयारी में, जो कि करना ही पड़ेगा हमें, इसके अंदर अगर आप 6 से 7 hours में वीडियोस कवर कर लेते हैं उसके बाद उनको पीडीएफ से गो थ्रू करते हैं तो 1 दिन के अंदर आप प्रॉपरली सारा का सारा कंटेंट रिवाइज कर लेंगे। और सेकेंड डे जो है, जो हमने एलोकेट किया है, उसमें आप 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करिए विद एक्सप्लेनेशंस, इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी के लिए। आगे बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि किस टाइप के लेबर लॉज हैं, कौन सा लेबर लॉ किस ईयर में पास हुआ, बट बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आगे चलते हैं डे 7 एंड 8 के लिए जो यूनिट हमें कवर करना है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन से आते हैं। तो अगेन क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है इसलिए मैंने कुछ अगेन इंपॉर्टेंट वीडियो सजेस्ट कर दी हैं। सो आप पीडीएफ्स के साथ साथ इन वीडियोस को साथ में पैरेलली रख के देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं ऑन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सो रेगुलरली पास्ट ईयर में प्रूडेंस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इन पे क्वेश्चन आए हैं। सो आप इन वीडियोज को अगर एक बार देख लेंगे तो आपके ये बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो एनालिसिस से काफी ज्यादा पास में क्वेश्चन आए हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज, बीट लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। सो अगेन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में हमने सारे रेशियोज के फॉर्मूले को कवर किया है और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आपको कई बार मिल जाते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर
किसका फॉर्मूला है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इसको थॉरली कवर कर दिया गया है। तो अगेन आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में कवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। अगेन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और आपको कई बार क्लासिफिकेशन में पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की एक्टिविटी आती है कैश फ्लो में, दैट इज वेदर द एक्टिविटी विल बी क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो अगेन इस कैश फ्लो एनालिसिस की वीडियो में पूरा चैप्टर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। सो आपको इसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सीवीपी एनालिसिस, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हैं पेपर टू मैनेजमेंट के टॉपिक में। सो इसको भी हमने प्रॉपरली वीडियोस के फॉर्म में कवर कर लिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग कवर कर लिया हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो भी हम डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं, बी इट प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनकी भी कॉस्ट कंपनीज इनकर करती हैं, तो उनका वैल्यूएशन किस तरह होता है, उनकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर सकते हैं। सो अगर आपने पीडीएफ्स और वीडियोस को प्रॉपरली देख लिया है, प्रॉपरली कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली है और 100 क्वेश्चंस प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी क्रैक कर लेंगे। आगे चलते हैं, डे 9 एंड 10 में जो यूनिट 5 हमें कवर करना है वो बिल्कुल प्योरली फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक हैं और काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, बट बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में हमारी फैकल्टी ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं वीडियो के फॉर्म में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स जो हमने लिए हैं वो है बॉन्ड वैल्यूएशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। इसको आप ज़्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल पोर्शन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आते हैं। बहुत ज़्यादा तो आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप इजिली फॉर्मूले के बेसिस पे क्रैक कर पाएंगे। सो इन पर्टिकुलर वीडियोस को आप देख लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे बात करते हैं डे 11 एंड 12 में, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है। सो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आइडेंटिफाई करी हैं जिनसे रेगुलरली पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम पीडीएफ आप इन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। सो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमने यहाँ कवर की हैं वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बेसिक डेफिनेशंस, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगेन आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको स्वॉट एनालिसिस और ये भी जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करता हूं मैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। सो अगेन ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है ये थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग की तरफ टिल्ट होता है। सो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में ठीक से पढ़ाई करी है, प्रॉपरली मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने में और हो सकता है कि आप सिर्फ हमारे पीडीएफ से ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर लें। आगे चलते हैं सेगमेंटेशन, मार्केटिंग, पोजिशनिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। 4 P's ऑफ मार्केटिंग तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, प्रॉपरली इनकी पीडीएफ्स को देख लीजिए, इन वीडियोस को रेफर कर लीजिए ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप बहुत आसानी से क्रैक कर पाएं। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होते थे, तो अगर आपने पास्ट ईयर एनालिसिस सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाते थे। बट सिंस जब से NTA ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, क्वेश्चन बहुत ही रैंडम हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना होगा रदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन पास्ट ईयर पेपर्स। सो यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस आपका कंटेंट क्लैरिटी पे होना चाहिए और उसके बाद आप 100+ MCQ क्वेश्चंस लगा लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जो आपसे रेगुलरली पूछा जाता है, इसको भी एक हमने वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप अपनी PDF को साइमल्टेनियसली रख के इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। सो इससे आपके अप्रॉक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट्स 12 दिन के अंदर कवर हो गए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी 4 सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है आपको। सो यहां पे जो 7th डे हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर
आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है जो मार्केटिंग सब्जेक्ट का ही एलिमेंट है। तो अगर आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा हुआ है तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको देखनी है अपार्ट फ्रॉम PDFs, वो ये हैं, दैट इज ब्रांड इक्विटी, लॉजिस्टिक्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एंड एथिक्स इन मार्केटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट में अगर आप PDFs को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए PDFs ही काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट हो जाएंगी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। और उसके बाद अगर आप 100 MCQ क्वेश्चंस लगा लेते हैं सो वो अगेन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे आपको ये बताने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। सो अगेन आप इन वीडियोज को देख सकते हैं अलॉन्ग विथ आर PDFs एंड साथ साथ MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आगे चलते हैं डे 15 एंड 16 के ऊपर। यहां जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने कवर करना है वो है POM, दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो कई बार स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से घबरा जाते हैं बट इस सब्जेक्ट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती। सो अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं, आप बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी ले लेते हैं तो आप उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसके अंदर देखनी है अपार्ट फ्रॉम PDF आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जहाँ पे हम कवर करेंगे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एक्सेट्रा। सो इन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखें और इसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है वो है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अजम्पशंस आपसे पूछ ले जाते हैं तो आप इनको भी प्रॉपरली गो थ्रू कर लें। आगे जो हमें नेक्स्ट वीडियो देखनी है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसी वीडियो है या आप कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो आप इस हाइपोथेसिस की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी मिल सके। और बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दैट इज अनोवा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये आप छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं ये 20 से 30 मिनट की, बट आपको इतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी दे देगी कि इससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो अगेन आप ये वीडियोस देख सकते हैं, बट अगेन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने एक दिन में इन कंटेंट को कवर कर लिया है सेकेंड डे 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें क्योंकि वो क्वेश्चंस ही आपके गेम चेंजर हैं, वही आपको एक्चुअली बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है। तो उन MCQs को टाइमली टारगेट लेके एक दिन के अंदर सॉल्व कर लेना है और एक दिन के अंदर आपको अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डे 17 एंड 18 में। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे रेगुलर क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो है मोड्स ऑफ एंट्री, दैट इज आप एक्सपोर्टिंग यूज कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइजिंग यूज कर सकते हैं, लाइसेंसिंग यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया है, सो ये आप जरूर कवर करें। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ IB, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरीज। सो जैसे कि आपने देखा हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक से ट्रेड थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज हेक्शर ओलिन थ्योरी हो गई, आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हो गई, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हो गई, इन पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स IB में बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कुछ 5 लेवल्स हैं, इसको इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया गया है और इन लेवल से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको PDF साथ में साथ पढ़ते जाना है और इन वीडियोज को देखते जाना है। वंस आपके एक दिन में ये स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट दिन आप 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आगे चलते हैं डे 19 एंड 20, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है और लास्ट 2 दिन बचे हैं आपके 20 डेज के टारगेट में। उसमें बहुत ही इजी सब्जेक्ट कवर करना है हमें, डैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी वीडियोस ही हैं बिकॉज एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे PDF ही आपके लिए सफिशियंट हो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने में। दैट इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसमें आपको फेबियन एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए और ये आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। नेक्स्ट इनोवेशन इन बिजनेस, MSME, दैट इज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड
MSME and small business, that is medium, small and micro enterprises and small businesses, इसके कुछ challenges, कुछ issues या फिर किस क्या limits हैं इनकी plant and machinery या फिर capital investment की, इस पर काफी ज्यादा past year में questions आए हुए हैं. तो इन topics को भी आप PDFs के साथ cover कर लीजिए and 100 MCQ questions solve कर लीजिए, वो भी आपके लिए बिल्कुल sufficient हो जाएगा इस subject की तैयारी के लिए. So, ये हमारी 20 डे स्ट्रैटेजी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर पेपर 2 ऑफ मैनेजमेंट. आई होप कि अगर आप सिस्टमैटिकली ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, तो आप 20 दिन के अंदर पेपर 2 मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे. अब यहां पे मैं दोबारा सेम चीज रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बोली थी, कि अगर आप अपने ऊपर बिलीफ नहीं लगते हैं दैट इज दैट यू कैन क्लियर नेट इन 30 डेज, तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी बुक से पढ़ लीजिए, आप यूजीसी नेट क्रैक नहीं कर पाएंगे. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज या फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप 30 डेज में यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. एंड सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो अभी मैंने बताई है उसको फॉलो करना है ताकि आप सारा सिलेबस कवर कर लें. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जहां आपको यह गाइड किया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर लीजिए, दूसरा टॉपिक कवर कर लीजिए, कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाइए. मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले हैं, बस मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जो पीडीएफ्स हैं उनसे अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है तो आप वीडियोस को ना देखें, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां आपको लगता है कि आपको वीडियोस को देखने की जरूरत है तो उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी इस क्रैश कोर्स में, जहां पे आप उन किसी भी वीडियो को रिफर कर सकते हैं. और अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं, पीडीएफ को समझ लेते हैं और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर लेते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ आर फैकल्टी जो 24/7 आपके टेलीग्राम ग्रुप पे रिस्पॉन्ड करती रहेंगी, तो इस 30 डेज में जो नामुमकिन लग रहा है आपको वो यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया जा सकता है. पास में भी हमारे स्टूडेंट्स ने प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से इस पर्टिकुलर यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है. सो ये बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल टास्क बिल्कुल नहीं है, बस आपको अपने ऊपर बिलीव करने की और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की जरूरत है. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमें क्वेरी पूछ सकते हैं एंड वील रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. इफ यू वॉन्ट टू परचेज आर कोर्स यू कैन गो टू आर वेबसाइट anujjindal.in एंड यू कैन परचेज द कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस ड्यू टू डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द फेस्टिव सीजन ऑफ दिवाली. हैप्पी दिवाली, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.